मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। हमारी परंपरा को बचाना हम सबका कर्तव्य है। बदला देश बदला भारत, लेकिन हमारी परंपरा आज भी हमारे बीच में कायम है। चाहे हम डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे इस देश के राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन हमारी परंपरा महत्वपूर्ण है। आज ये बच्चे हम आपको जो बता रहे हैं, सारे पढ़े लिखे बच्चे जो इंजीनियर से कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी परंपरा आज भी इनके दिलों और दिमाग में बसी हुई है। इनकी परंपरा आज हमने नृत्य के माध्यम से देखती है। हम उनसे जानना चाहेंगे इस परंपरा को आप कैसे निर्वाह करें। नीति जी, आप बताइए आपकी ये कैसा इस डांस को करके बहुत अच्छा लगा। हम अपनी परंपरा संस्कृति के को अनुभव कर सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे आने वाले जो जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम उनको अपनी संस्कृति के बारे में आगे बता सकते हैं और अपना एक जो वजूद है उसे हम कायम बना सकते हैं। हमारी मेरी है BSc नर्सिंग फाइनल ईयर। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्राची तेकाम है। प्राची जी, अभी बताइए, आज जब भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, हम पश्चिम सभ्यता की ओर जा रहे हैं, आपने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, क्या वजह? एक्चुअली हमें ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, और यही हमारा अस्तित्व है ऑलरेडी पहले से ही, तो फिर हमें इसे आगे बढ़ाना अच्छा लगता है। नाम बताइए। मेरा नाम पल्लवी तेकाम। क्या कर रहे हैं अभी आप वर्तमान में? मैं बीकॉम फाइनल हूं। अब बीकॉम करने के बावजूद अपनी संस्कृति से इतना लगाव है, क्या सरकार सब मान करना चाहेंगे इसको बढ़ावे के लिए? मैं ना कि खुद आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहूँ, वो भी ऐसे ही मेरी तरह ही आगे बढ़े। क्यों नहीं, ऐसा नहीं लगता आपके जब आदि वैसे शब्द आता तो आपके मन में विचार आते कि हम बहुत छोटे हैं, ऐसा महसूस हुआ? इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस एक दिल से एक भावना होनी चाहिए, हमारा समाज हमारा कल्चर है। क्या आगे भविष्य में आपका आदिवासी समाज के लिए क्या योगदान करेंगे? मैं छोटे छोटे बच्चों को और जगह और मतलब जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती है, जो जिन बच्चों को इस बारे में नहीं पता चल पाता, मैं उन तक पहुँचूँगी, मैं उन्हें भी थोड़ा प्रोत्साहित करूँ। भारत की पहचान है आदिवासी, आज आदिवासी है तो हम हैं आदिवासी, से हमारा देश सुंदर अच्छा लग रहा है। जहाँ आदिवासी परंपरा की हम बात करें तो वास्तव में वो देखने योग्य है। आदिवासी हमारा एक अंग है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आज उनके साथ जिस प्रकार अन्याय अत्याचार कर रही, उसका साफ नज़र हमें आए दिन देखने को मिलता है। कहीं गाड़ी में घसीट के मार दिया जाता है, कहीं छुआछूत जैसे बाहर में दूर बैठाया जाता है। इन सारे मुद्दों पर आज भोपाल में सेमिनार का आयोजन किया है और अब आदिवासी संगठन अपना अपमान नहीं सहेगा, इन मुद्दों पर लेकर पूरे भारत में अपना अभियान चलाएंगे। हम बात कर रहे हैं आज इन्होंने आदिवासी संगठन में पुस्तक दुकान लाई और ये लोगों ने जनजाति की ला रहे पुस्तक के माध्यम से, तो जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक आदिवासी भी नहीं समझेगा कि हमारा अधिकार क्या है। भाई हम बात करेंगे किस प्रकार और कहाँ का सर, आप किस प्रकार लोगों को समझ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुपाल अलके सिंह ने आज मंत्री राजधानी भोपाल में हमारे एम्स के पास में कम्युनिटी हॉल में आदिवासी धरकोट जो कॉलम है उसके लिए हम लोग एक सेमिनार का आयोजन किए हैं, जिसमें मैं आज हमारे समाज में जो जो साहित्य है वो साहित्य का दादाजी सम्मानित तिरुमाया दुर्गाधर बर्मा का दादाजी के माध्यम से हम लोग बुक का स्टॉल लगाए हैं और अभी प्रेजेंट में समथिंग 5000 रुपीज़ का बुक बिक चुका है वन आवर में। तो हमारे आज जो तिरुमाल सर लोग हैं कुपाड़ रायताड़, वो कंटिन्यू बुक ले रहे हैं और पिछले मैं 2 सालों से बुक बेच रहा हूँ, तो अभी तक कंटिन्यू में 3 लाख रुपये का बुक बेच चुका हूँ और हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जनजागृति आ रहा है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारे साहित्य का हर गांव में पहुँच जाएगा तो ज़रूर हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे। और हमें जो 6 धर्म है, हमारा 7वां धर्म है जो आदिवासी धर्म जो इंडिजिनियस धर्म है, वो ज़रूर मिलेगा। तो सर साधक सेवा जवाब। सर ये जो बुकलेट उसमें शामिल है, इसमें कभी आदिवासी राजा हुआ करते थे, उनके इतिहास आज भी कैसे मतलब जी? बिल्कुल सर, हमारे पास सबसे पहले सर डॉक्टर मोतीरावन कंगाल जी दादा थे, उन्होंने इस बीड़ा को उठाया था और हमारे जितने भी राजा थे, जितने भी महापुरुष थे, क्रांतिकारी थे, जैसे बिरसा मुंडा जी, टांटिया मामा, और अभी करंट में सर कल के दिन राजा शंकर शाह, राजा कुंवर शाह, इनके बुक भी सर विमोचन हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से ये बुक बिक रहे हैं। और हम लोग जहाँ जहाँ भी ऐसे गैदरिंग होते हैं, कार्यक्रम होते हैं समाज के, वहाँ हम स्टॉल लगाते हैं और हाथों हाथ बिक बुकते हैं। सर हम लोग जो बेरोजगार हुआ है, इनका भी कुछ बेनिफिट हो जाता है इसमें।
सर मथुरा स्टेट को लेकर कोई पुस्तक प्रकाशित किया है ही अभी लगता है। मथुरा स्टेट हरदा जिले में जो काफ़ी प्रचलित और मध्य प्रदेश का सुंदर स्थान भी है, उसको लेकर कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है अभी सर? मेरे नज़र में तो नहीं सर, लेकिन वहाँ के जो सामान्य अभी वन मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी, उनसे सर बात करेंगे, जरूर सर हम लोग को प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। खड़ा करने में आदिवासी समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। नहीं भूमिका रही है, तो आदिवासियों की पावन धरती है भाई, तो आदिवासियों की पावन धरती है ये, जिसको प्राचीन जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दिया हुआ नाम गोंडवाना पोखरण जिसको कहते हैं, ये वैज्ञानिकों का दिया हुआ नाम है, इसमें लखनऊ का नाम आज के धरती गोंडवाना है। नाम से बात करें शहरी आदिवासी बड़ी दयनीय है, तो क्या सरकार साहब ने आज मुझे कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? अगर ये होता तो आज ये स्थिति रहती? आप तो देख रहे हैं, आपने खुले आम जितना प्रचार आदिवासियों के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है, खुले आम हमारी बहन बहनों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है। अगर विरोध कर रहे हैं तो उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है, और क्या कर रही है तो आज ये स्थिति होती